हाँ जी, तो रिचुअल के ये पैकेट्स हैं, ये गिफ्ट है, ये इन दोनों का मैंने पे किया है और ये बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशवाश होंगे। तो जी आज है ना, मैंने क्या करना है, मैं हमेशा आती हूँ बताने के मैंने क्या करना है, और कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, कुछ मुझसे बताई नहीं जाती हैं। लेकिन आज मैंने क्या करना है, ये वाले गिफ्ट्स, ये बॉक्स आए हुए हैं, इनको खोलना है, इनको पैक करना है। तो जी चलिए जी शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये वाला गिफ्ट जो है ना, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया, मुझे नहीं था पता। तो जब ये आया ना पैकेट, डिलीवरी हुई है, तो उनको भी मैसेज चला गया है कि आपका जो पैकेट पार्सल है वो हमने ना डिलीवर कर दिया। तो साथ ही उनका मुझे मैसेज आया कि मेरा पैकेट आया, खोलना ना। मैंने कहा हाँ, ये पैकेट तो मेरा है। फिर मैंने देखा तो उनका ऊपर नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा चलो शुक्र है पता चल गया है, नहीं तो सरप्राइज ही ख़राब हो जाना। कल और परसों तक जाना, मौसम इतना अच्छा था इधर ना, मतलब हम लोगों ने ना फ्रॉक्स वगैरह पहनने शुरू कर दी, बच्चों ने भी इनफैक्ट सैटरडे को ना शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी। लेकिन आज फिर अचानक से इतनी सर्दी हो गई है ना कि फिर हमें अपने स्वेटर जो है ना पकड़ने पड़े हैं, ढूंढने पड़ते हैं किधर रख रही हैं। तो जी इसको पहले खोल लेते हैं, इसके अंदर क्या है। ये मैंने कार्ड मंगवाया है, कार्ड इसके अंदर लिखा हुआ है जो मैंने लिखा है। तो ये मतलब मेरी जिसको मैं देना है ना उसके नाम का ये कार्ड है। एक ये है, इसके अंदर क्या क्या है, इन्होंने कोई ये वाली चीज़ें हैं इसके अंदर, रिचुअल के ये पैकेट्स हैं, बे डब्बे में ये वाली चीज़ें हैं इसके अंदर, रिचुअल ऑफ कार्मा। तो दूसरा जो है ना ये वाला है, ये जो है ना रिचुअल ऑफ जिंग, इस और इसके अंदर ना ये वाली चीज़ें हैं। मैं देख लूँ वीडियो बन रही है ना भाई। हाँ जी, तो अब मैंने इनको पैक करना है बड़े अच्छे तरीके से, बड़े नफीस तरीके से, तो वो करते हैं तो बताती हूँ फिर। सो जी अच्छा, और इसमें से एक और है, जब आप किसी भी इधर शॉप की किसी भी प्रोडक्ट के मेंबर होते हो ना, तो साथ जी आपको गिफ्ट जो है ना इधर दिया जाता है। तो ये जो जब मैंने ये ख़रीदा है तो उन्होंने कहा है कि ये आपको गिफ्ट बनता है। इसमें जी शावर जेल है और क्या है हैंड क्रीम है, शावर जेल और हैंड क्रीम फ्री है। तो चलिए जी डब्बा हो गया, हाथ डब्बे को लगाते हैं साइड पर। इधर ही मैंने फिरोज़ को सला के ना, तो कपड़े सब के प्रेस करके रख दिए थे, तो फिरोज़ उठ चुका था। फिर मुझे यही लालच था कि फटाफट काम कर लूँ, तो इधर फिरोज़ उठ चुका था। तो गार्डन का काम जी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं इनको अभी स्कूल से लेके आई हूँ। तो जब मैं इनको लेने जाने लगी थी ना, मौसम बिल्कुल ठीक था, थोड़ी सी मैं दूर गई हूँ, इतनी तेज़ बारिश, फिर मैं उधर से वापस आई। मैंने फिर पहले मेरा इरादा था कि ना मैं पैदल जाऊं इनको लेके आऊं। के दिमाहनेत दिमाहनेत नहीं मारो मारो दिस इज हफा मारो मारो मामा ला उस तर दी मारो इसको इधर रखो मारो नहीं तो अंदर आ जा मेरा पुत्र दित्रो। अच्छा जी मैं बता रही थी, पहले मेरा इरादा था कि मैं पैदल जाऊंगी, बोला कर लो व्लॉगिंग कर लो छोड़ दो मेरे इरादियां। मैं अंदर आ गई आके इनके लिए जी पालक के रोल बनाने लगी, ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो पालक के रोल निकालती हूँ फ्रीजर में से, ये ना। तो जी ये स्कूल गए थे जो फ्रूट दिया था वो खा के नहीं आए, तो अभी मैंने निकाल के रखा है। हाँ जी जी रोल डाले अंदर, अब ये पकते हैं तो फिर इनको मैं आवाज देती हूँ कि आओ खाओ। मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ चीजें लेके आनी थी कल के लिए, तो प्लान ठप हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर तक अगर मौसम ठीक हो जाता है, अभी तो बहुत हवाएं और साथ जो है ना बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो अगर मौसम ठीक हो गया तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो कोई गल नहीं, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे उनके साथ जाएंगे आराम से करके वापिस आ जाएंगे। फिर की करना है यार, अभी अभी जी बारिश हो रही थी और अभी मैंने रोल फ्राई करके रखे हैं, बच्चों को भी आवाज़ नहीं दी है कि आके खाएं, तो देखें कितनी धूप भी निकल आई है। ये हाल इनका मौसम है जी इधर।
माइक्रोवेव में ना मैंने सालन गरम किया था मीट का, तो ये पता नहीं की हो गया भाई, सालन फट गया, बोटी भी बाहर डिग गई, सारा कुछ बाहर डिग गया। तो ओवन जो है ना इतना गंदा हो चुका था कि मैंने इसको साफ़ करना था, तो इसको साफ़ करने के लिए ये स्प्रे मिलता है जी एक्शन से, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्प्रे है। आपने बस इसको स्प्रे करके ना, ये स्प्रे है तो 5 मिनट के लिए ना बस भूल जाना है। तो बाद में जब आपने ये मुझे ना, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, मैं इसको साफ़ करने लगी थी, लेकिन इतना ज़बरदस्त साफ़ हो जाता है जितना ये नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपने कपड़ा पकड़ना है, स्प्रे थोड़ा सा जो होता है, तो मैंने ना हाथों पे ये देखा, ये बोटी भी बाहर निकाली है, तो बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ हो जाता है। इधर मेरे हस्बैंड जो है ना आते हुए कुछ ग्रॉसरी कार्ट के लिए क्या थे, मराकिश की मिठाई थी, तुर्की पिज़्ज़े थे, अदरक था, मीट था, और क्या था जी, प्याज वगैरह थे, ये चीज़ें नहीं थी। तो फिर मैंने उनको कहा था कि आते हुए ले आए, तो वो लेके आए। अभी मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ ग्रॉसरी करने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे हैं। मौसम बारिश तो रुकी है, लेकिन हवाएं ठंड ठंड लग रही है, ऐसे लगता है दिसंबर की सर्दी है, जैसे उधर दिसंबर में होती है ना, वैसे इधर इधर अप्रैल में सर्दी है। सब लोग बस गाड़ी में बैठ चुके हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी जो है ना मैं अभी गाड़ी तक पहुँचने वाली हूँ। क्या बात है, मैं गाड़ी से निकल के आके सबसे पहले जी ये लेती हूँ इधर से शॉपिंग कार्ट। इधर जी ग्रॉसरी कार्ट के आ चुके थे, लेकिन मेरे से वीडियो कोई नहीं बनी उधर जाके, क्योंकि बच्चे भी साथ थे और कुछ चीज़ें बस जल्दी जल्दी लेनी थी। इधर ओवन जो है ना बहुत साफ़ हो चुका है, मैंने प्लेट रखी है। इधर जी मैंने बच्चों को सुला दिया था, सारे जन ऊपर चले गए थे, फरोज को भी सुलाया। तो मेरे पास ये कुछ ना ईद के डेकोर की चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने सोचा पड़ी नहीं थी, मंगवाई थी स्पेशली। मंगवाई किस लिए थी ये आपको बताती हूँ। मंगवाई इसलिए हैं कि जी बच्चों को ना इधर सिखाना पड़ता है कि ईद है, ईद है, तो हमने ईद को ऐसे सेलिब्रेट करना है, ये हमारा रिलीजन है, हमारा ये फेस्टिवल है, सारा कुछ जो है ना। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में बच्चे जो है ना अपने भरोसे खुद ही सीखते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब इधर रमज़ान था, मुझे अपने बच्चों को बताना पड़ा कि रमज़ान है, मामा पापा को ना खाना नहीं खाना है पूरा दिन, वो रात को बस एक दफ़ा खाएंगे। बच्चे पूछते हैं कि मामा पापा जो है ना खाना क्यों नहीं खाएंगे, उनको ज़रूरत नहीं है उनकी बॉडी को, ये वो इस तरह बड़े क्वेश्चन करते हैं जी, बड़े क्वेश्चन करते हैं। तो उनको बताते हैं कि नहीं, कुछ बातों के जवाब दिए भी जाते हैं उस टाइम, कभी मूड भी नहीं होता, लेकिन जवाब देने बड़े ज़रूरी होते हैं बच्चों को हमेशा। तो इधर मैंने बच्चों को ना अब ईद का भी बताया, पहले इनको जी ईद का नहीं पता था, तो पहले जब शलवार कमीज़ पहनते थे ना तो बहुत ही इरिटेट होते थे, कहते नहीं पहननी। अब इनको बताया, अब जब रमज़ान आया तो मैंने इनको कहा कि जब रमज़ान ख़त्म होगा तो ईद आएगी, उसके बाद जो है ना आप लोग, कि फिर उन्होंने खुद ही कहा कि मामा हम लोग जो है ना शलवार कमीज़ पहनेंगे, मैंने कहा जी बिल्कुल। तो ये ईद की रिकॉर्ड की थी कि ताकि उनको पता चले। पाकिस्तान में अब ये है कि हमने ये चीज़ें जो है ना किसी ने सिखाई नहीं है, हमारे बड़े ऐसे करते हैं कि हम लोग जो है ना खुद ब खुद ही जो है ना चीज़ें सीखते रहते हैं उनसे। जबकि ये मैंने मशीन मंगवाई हुई है ना, तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। पहले दीदी इंज हों के बलून च फूकों भर भर के मैं और मेरे हस्बैंड बैठ जाते थे, अभी भी वो मुझे पूछ रहे थे कि बलून अगर ब्लास्ट करने हैं, उनमें हवा भरनी है तो मुझे ऊपर दे दो। तो मैंने कहा जिन मैं मशीन मंगवाई हुई है उन्होंने मैं कि अचार पाना है, तो फिर मैं नीचे आके खुद ही जो है ना सारी काट लिए थे। तो इधर जो है ना काफ़ी जो है ना बलून जो है ना काफ़ी तो नहीं है, चार चार बस। फिर इनमें हवा शवा बढ़ी, तो फिर इनको ना मैंने ऐसे दीवार पे बिल्कुल साइडों पे लगा दिया था, और बहुत ही नाइस लग रहा था, बहुत ही प्यारा जो है ना डेकोर हुआ था। उसके बाद जो है ना मेरे पास ईद के, ईद मुबारक के कुछ प्लेट्स पड़े हुए थे, वो मैंने निकाले। ईद मुबारक के ग्लास थे जी, सारे डिस्पोजिबल बर्तन हैं, कि मैंने ये सोचा कि इनको यूज़ करने के बाद जो है फेंक दिया जाएगा। फिर ये टेबल के ऊपर काले रंग का कवर चढ़ा दिया था, कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अब जी पौने 10 मिनट कम 12 का टाइम हो चुका है, इधर मैंने सारी सेटिंग कर दी है, बलून्स वगैरह लगा दिए हैं, और अब जो मेरे दिमाग की जो है ना सुइयां वो भी बंद हो रही हैं, मेरे दिमाग भी जो है ना बज रहा है। तो मैंने बनाई है अपने लिए कप कॉफ़ी, तो मैं ऊपर जाके थोड़ी देर कॉफ़ी पीती हूँ, आराम से बैठती हूँ। तो मिलेंगे जी अब ईद के व्लॉग में। एक कॉफ़ी बन गई है, और मैंने इधर जो है ना ट्राइफल बना के रखा है, अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए ना मैंने इसके ऊपर पेपर नहीं दिया है, तो ये मैंने बना के रख दिया है।